अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं मटन और आलू। 1 kg हमारे पास मटन है और 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लें और उसे काट लें, और 3 मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं हमने, उनको काट लेना है। 1 टेबल गार्लिक पाउडर, 2 टेबल हमारे पास रेड चिली पाउडर, और 1 टीस्पून हमारे पास हल्दी, और 1 टीस्पून सॉल्ट। चलिए अब इसको हम टेबल स्पून हमने लेना है ऑयल, और उसमें हमने ये प्याज को ऐड कर देना है और सोटे करना है। ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, तब हमने इसमें प्याज ऐड करना है। ठंडे ऑयल में हमने इसको प्याज को बिल्कुल ऐड नहीं करना। अब इसमें मटन ऐड कर दें और मिक्स कर दें। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हम इसमें स्पाइस चेंज हो गया है। अब इसमें मैंने जो इंग्रेडिएंट्स बताए थे वो सारे ऐड कर दें और मिक्स कर दें। इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए हैं और ये जो मटन है ये बहुत जल्दी पकने वाला है। कुछ मटन होता है जो लेट टाइम लेता है, ये ज़रा जल्दी पक जाएगा, इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा ही इतना पानी ऐड करूँगी। बस ये गोश्त से थोड़ा सा और ऐड करूँगी और फिर इसको मैं प्रेशर लगा दूँगी। प्रेशर 25 मिनट के लिए लगाऊँगी, जब उसकी सीटी बज जाएगी उसके बाद का टाइम नोट करना। चलें, पानी डाला कि इसमें जो मटन है ना कवर हो गया है, ठीक है। अब मैं इसको प्रेशर लगा 30 मिनट और 30 मिनट लगे इसे पकने में, और अब इसको मैं दूसरी बर्तन में डाल देती हूँ। और आपने जब भी प्रेशर लगाना है तो हमेशा मीडियम फ्लेम पर ही, फ्लेम को हमेशा मीडियम रखना है, हाई फ्लेम नहीं रखना। कोई भी खाना बनाना हो तो फ्लेम हमेशा मीडियम होनी चाहिए, हाई नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको दूसरे बर्तन में डालती हूँ और फिर आगे इसे हमें दूसरे बर्तन में डाल दिया। अब इसमें हम आलू डालते हैं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पकाना है कि अच्छी तरह से ऑयल जो है ना बाकी भी बाहर आ जाए। ये देखिए आलू भी पक चुके हैं। अब इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं। पानी इतना ज़्यादा नहीं ऐड करना, बस इतना, थोड़ा सा, एक गिलास समझ लें कि ये ग्रेवी इतना ज़्यादा पतला ना हो। अभी ये पकना स्टार्ट हो गया और ऑयल भी बाहर आ गया पानी डालने के बाद। अब इसमें ना हम 1 टीस्पून गरम मसाला डाल दें मिक्स करके, और इसको स्लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए ना छोड़ दे पकने के लिए। चलिए, और ये हमारी रेसिपी की फाइनल लुक है। मेरे रेसिपी को ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह।